कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से धोखाधड़ी करने वाले दो ठग भाइयों को पाचपावली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों अब तक एक दर्जन से ज्यादा छात्रों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। पकड़े गए आरोपियों में ठौरे कॉलोनी जरीपटका निवासी सुचित सोमनाथ वालदे और संदेश सोमनाथ वालदे का समावेश है। बारसेनगर निवासी धनश्री संजय बावनकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। धनश्री को शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेना था। उसे पता चला कि वालदे बंधु एडमिशन दिलाने का काम करते हैं। अक्टूबर 2022 में धनश्री ने उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने प्रवेश दिलाने के नाम पर धनश्री से 1,64,000 रुपये ले लिए। उसे प्रवेश मिलने की बोगस रसीद भी दी। कुछ दिन बाद धनश्री ने कॉलेज जाकर जाँच की तो रसीद फर्जी होने का पता चला। उसने वालदे बंधु से संपर्क आकर अपने पैसे वापस मांगे। दोनों टालमटोल करने लगे। आखिर परेशान होकर उसने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इंस्पेक्टर वैभव यादव और महेंद्र अंबोरे के मार्गदर्शन में पीएसआई विकास मनपिया और उनकी टीम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश कर बुधवार तक पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों से 1,64,000 रुपये नकद, मोबाइल और बाइक जब्त की गई है। जांच में पता चला है कि दोनों भी आरोपियों को नशे की लत है। अपने अय्याशी के लिए दोनों छात्रों को कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगते थे। अब तक एक दर्जन से ज़्यादा छात्र उनके शिकार हो चुके हैं। कई लोगों ने पुलिस से शिकायत तक नहीं की है। पुलिस ने उनकी ठगी का शिकार हुए छात्रों से पुलिस थाने में शिकायत करने की अपील की है। कलम 420, 465, 468, 471, 504, 506 इसका अपराध क्रमांक दर्ज हुआ है। तो ये गुने में जो आरोपी है सुचित सोमनाथ वालदे और संदेश सोमनाथ वालदे, इनकी जो गुने की मोडस है, ये एडमिशन के नाम से लोगों से पैसे लेते और एडमिशन करके नहीं देते। बीएससी नर्सिंग होम हो या फिर कुछ भी पॉलिटिकल में एडमिशन हो, कभी एडमिशन करके देते। तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी नागरिकगण इनके तरफ से फंसाए गए होंगे या फिर इन्होंने कभी किसी का फ़ोन आया होगा कुछ एडमिशन के नाम से कुछ, तो पॉलिटिशियन पाचपौली में आके तकरार दर्ज करें और उनका स्टेटमेंट दे। अभी तक के हमारे पास 18 स्टेटमेंट हो चुके हैं और बहुत लोग यहाँ पे आ नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली रकम ये 5,000-10,000 रुपये करके फ्रॉड करते हैं। छोटी रकम होने की वजह से लोग आते नहीं, बोलते क्यों, उन पुलिस से झंझट पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ पे तकरार आए बहुत ही गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो आए हैं। तो मैं आपके माध्यम निवेदन करता हूँ, जो भी सुचित वालदे और संदेश वालदे से पीड़ित है वो यहाँ पे आए और अपना स्टेटमेंट दर्ज करें। ये एडमिशन के नाम से फसवणूक करते लोगों की और एडमिशन करके देते नहीं है और उनको बोगस स्लिप भेजते गवर्नमेंट कॉलेज की कि आपका एडमिशन हो गया करके। सुचित सोमनाथ वालदे और संदेश सोमनाथ वालदे रहना ठौरे कॉलोनी जरीपटका, ये दोनों सगे भाई है। ये लोगों को बताते हैं कि भैया मेरी कॉलेज में अच्छी पहचान है, मेरी बहुत बात है, मैं आपका एडमिशन करके दे दूंगा। ऐसे करके लोगों को प्रलोभन दे के विश्वास में लेते हैं और उनसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लेते हैं। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए ये अपना स्कैनर नहीं देते हुए किसी दोस्तों का स्कैनर दे देते, उनको बोलते कि मेरे भाई का पेमेंट आने वाला है, ऐसा है, इस टाइप से वो पैसे ले लेते हैं। ये उनकी मोटर से, लेकिन कभी किसी को एडमिशन करके दिए नहीं और उनको बोगस पावती पेमेंट स्लिप बना के दिए हैं। महाराष्ट्र TV24 के लिए अविनाश तोतड़ी की रिपोर्ट। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।